मेरा नाम रुबिका लियाकत है और मैं पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म से जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारे चैनलों में काम किया है। शुरुआत लाइव इंडिया से हुई, उसके बाद न्यूज़ 24 में गई, फिर जी न्यूज़ के साथ काम किया, एबीपी न्यूज़ के साथ काम किया, फिर भारत 24 चुना और अब बहुत जल्द एक नया अनाउंसमेंट होने वाला है। लेकिन उससे पहले ब्रह्म कुमारी से मेरा रिश्ता 2 सालों से इनडायरेक्टली चल रहा है, सुमन दीदी। और ये इनडायरेक्टली ऐसे है कि ब्रह्म कुमारी में वार्षिक सम्मेलन होता है, मीडिया जगत के बहुत सारे लोग आते हैं, तो मुझे पिछली 2 बारी से आमंत्रण इनविटेशन मिल रहा था। तो पहली मर्तबा जब मिला तब मैं बहुत व्यस्त ही नहीं आ पाई, लेकिन ब्रह्म कुमारी के बारे में या ये कहिए कि एक अप्रत्याशित रूप से जुड़ाव हो गया। फिर पिछले साल ऐसा था कि टिकट बुक हो चुकी थी, मुझे ब्रह्म कुमारी में उस वार्षिक सम्मेलन में आना था और सब कुछ तय था कि मैं कौन से रंग की साड़ी पहनूंगी, कितनी बजे आऊंगी, क्या मुझे कहना है, किन किन लोगों के साथ बैठने वाली हूँ। और जिस सुबह मुझे निकलना था, और मैं दिल्ली में रहती हूँ, टिकट बुक हुई थी उदयपुर की, उदयपुर से मुझे माउंट आबू आना था, तो जब मैं उदयपुर पहुँची, उसके लैंड करते ही मुझे ये पता चला कि मेरे पिता को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है और हमारी कोई तैयारी नहीं थी। वो 4 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जब आपको ब्रेन स्ट्रोक आता है कि आप उन्हें अस्पताल में लेकर जाए, वो 4 घंटे का विंडो होता है। अगर वो इंजेक्शन मिल जाता है तो आपका शरीर काम करने की स्थिति में रहता है, ऐसी संभावना ज़्यादा होती है। और मैं आज तक वो शब्द, वो अल्फाज नहीं ढूंढ पाई हूँ कि ब्रह्म कुमारी संस्था को और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनको कैसे धन्यवाद कह सकूं, क्योंकि ये वो मदद थी जो कभी कोई बेटी अपने सपने में नहीं सोच सकती थी। मैं अपनी टिकट शायद पहले कभी ना बुक कराती, मैं उदयपुर आने का सोच भी नहीं रही थी, और बाबा ने इस तरीके से अपने पिता की सेवा में मुझे बुलाया, ये मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ। और फिर दिसंबर जो बीता है, तब मेरे अंदर पता नहीं क्यों ये भाव पैदा होने लगा कि 2024 की शुरुआत मैं स्पिरिचुअलिटी से करना चाहती हूँ। जब दुनिया अलग अलग इलाकों में घूम रही होगी, तस्वीरें खिंचवा रही होगी, तब मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं अपने आप को पहचानूं, मैं खुद से मिलूं। और ब्रह्म कुमारी से बेहतर वो जगह क्या हो सकती थी। तो मैं अपने बच्चों को भी लाई हूँ, अपने पिता को भी लाई हूँ, अपनी बहन को भी लेकर आई हूँ। और एक सच्ची बात बताती हूँ दीदी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ एक जहाँ बसता है। तो जब मैं यहाँ आई तो कोमल भाई साहब हैं जो मुझे बाहर लेने के लिए आए, तो जब गाड़ी हमारी अंदर एंटर हुई तो हमें समझ ही नहीं आया कि हम कहाँ आ गए। और मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मम्मा यहाँ तो सब एंजल्स हैं, क्योंकि सब सफ़ेद कपड़े में थे। ये देखिए, मैं सफ़ेद में नहीं हूँ, और हमारे परिवार को छोड़कर बाकी सब सफ़ेद में नज़र आ रहे थे। तो उनको ऐसा लगा जैसे छोटे बच्चे डिज्नीलैंड में जाते हैं, वैसे वो किसी जन्नत में आ गए हैं। हर एक चेहरे पर वो 2 इंच मुस्कान है, माथे पर शिकन नहीं। मैं जितनी बार ऐसे करती हूँ मेरी 4 लकीरें पड़ जाती हैं दीदी, लेकिन यहाँ पर मुझे लकीरें ढूंढने पर नहीं मिल रही हैं। तो आज वो शुरुआत हो चुकी है और मैं बहुत दिल से और शिद्दत से बाबा का ध्यान रखते हुए, सुप्रीम पावर का ध्यान रखते हुए, हमारे यहाँ कहते हैं खुदा का ध्यान रखते हुए, और मैं ये जानती हूँ कि ब्रह्म कुमारी में न पंथ की
बात होती है, ना धर्म की बात होती है, ना मजहब की बात होती है, यहाँ आत्मा की बात होती है। तो आज ज़रूर मेरा लिबास अलग है, लेकिन बहुत जल्द मुझे मालूम है कि उस पथ पर मैं चल निकलूंगी। दीदी, शुरुआत आज से हुई है। बहुत अच्छे। तो आप लोगों का साथ और आप लोगों की दुआएं रही, तो ऐसे ही यहाँ बैठकर अपने आप को पहचानूंगी और ऊपर वाले से कनेक्ट करने की जो वो पहली सीढ़ी है वो चढ़ जाऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए।